हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, तो इसका अध्याय 7 जो विवर्तन है, ठीक है, विवर्तन का भाग 1 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका भाग 2 बताएंगे जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, तो आप इसको ध्यान समझिएगा। जानते हैं कि एनसीईआरटी थोड़ा अजीब तरीके सवाल देता है, थोड़ा घुमा के पूछता है, तो समझिए ध्यान से। हम इस चैप्टर से जो फार्मूला बताए हैं आपको उसी पे हम सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल कौन सा है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर गिरता है, ठीक है, तथा 1 मीटर दूरी पर्दे पर परिणामी विवर्तन क्या है, परिवर्तन पैटर्न देखा जाता है। क्या देखा जाता है, परिणामी विवर्तन पैटर्न देखा जाता है। यह देखा गया कि, ठीक है, यह देखा गया है कि पहला निम्निष्ट पर्दे के केंद्र पर से 2.5 नैनोमीटर दूरी पर है, झिर्री की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस सवाल को हम लगाना शुरू करते हैं। ये बस थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए इतना घुमा दिया गया है, लेकिन सवाल में जान एक भी नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं है, एकदम दमलेस है। तो आइए देखिए हम इसको कैसे लगा के दिखाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले सवाल में बोला जा रहा था क्या, 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक समांतर प्रकाश पुंज, तो हमारा किसका वैल्यू दिया गया है, तो हमारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी हमको तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है क्या, तो ये तरंग दैर्ध्य को हम दिखाते हैं लेमडा से, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू दिया गया है 500 नैनोमीटर, क्या दिया है, 500 नैनोमीटर दिया गया है। तो इस नैनोमीटर को हम किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 500 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा मीटर में आपका, ये क्लियर है। अब देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, और जो चीज दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सवाल को आगे लेकर प्रोसीड करेंगे। और क्या बोला जा रहा है सवाल में, ध्यान देखिए कि क्या है, तथा 1 मीटर दूर पर्दे पर, दूरी कितना दिया गया है हमको, डी का वैल्यू पता है, तो डी का वैल्यू दिया है आपका कितना, डी का वैल्यू 1 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो आगे बोला जा रहा है क्या, परिणामी विवर्तन पैटर्न देखा जाता है, ठीक है, यह देखा गया है कि पहला निम्निष्ट पर्दे के केंद्र पर से 2.5 नैनोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान समझिएगा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स का मतलब ये जो दिया गया है क्या है, नैनोमीटर, क्या है, केंद्र पर से 2.5 निम्निष्ट, मतलब कि हमको एक्स का मान, तो देखिए हमारा एक्स का मान क्या दिया है, एक्स का मान दिया है 2.5 मिमी रहेगा, ठीक है, मिमी का मतलब मिलीमीटर में, ठीक है। यहां देखिए नैनोमीटर लिखा गया है, मिस्टेक, गलती से लिख गया है, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा मिमी रहेगा, ठीक है, सवाल में मिमी रहेगा, यहाँ नैनोमीटर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसको हम आगे लगाते हैं, तो समझिए ध्यान से, इतना हो गया, जब ये मिलीमीटर में दिया गया है तो अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 10⁻³ से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻³, ठीक है, अभी हो गया गुणा, तो ये हो गया किसमें, अब ये मिमी जो था ये मीटर में चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आधा सवाल लग गया है, अब थोड़ा सा समझना है, तो आपको मेन चीज यही समझना है कि कैसे हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे, और फार्मूला आपको बता दिया जाएगा, तो आप कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, केंद्र से क्या पूछा जा रहा था, चौड़ाई पूछी जा रही है ना, तो केंद्र से
केंद्र से, ठीक है, केंद्र से यन में निम्निष्ठ की दूरी, ठीक है, निम्निष्ठ की बात हो रही है, तो यन केंद्र से निम्निष्ठ, तो क्या हो जाएगा, केंद्र से यन में, ठीक है, निम्निष्ठ की दूरी, तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स बराबर हो जाएगा क्या, यन में निकालना है, ठीक है, यन में का मतलब यन बराबर हम एक लेंगे, ठीक है, यन में का निकालना है तो क्या हो जाएगा, यन में का निकालना है तो आपका फार्मूला इस पे बनेगा क्या, यन डी लेमडा, ठीक है, बट्टे ई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो इसी पे हम सवाल को लगाएंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको इसमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, तो मतलब कहने का हमको ई का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमको जब ई का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या निकल क्या आएगा, हो जाएगा फार्मूला देखिए, ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, यन डी लेमडा बट्टे एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे हम वैल्यू रखेंगे और अपना मान निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, यन का मान कितना लिए हम, एन बराबर हम एक माने, ठीक है, तो यन बराबर हमारा एक हो जाएगा, और डी का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक मीटर, तो ये भी हो जाएगा एक मीटर, और लेमडा, लेमडा का मान क्या दिया है, लेमडा का मान दिया है 500 गुड़े 10 के घाते माइनस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुड़े 500 गुड़े 10 के घाते माइनस 9 मीटर, ये हो गया। अब बट्टे यक्स, यक्स का वैल्यू क्या दिया गया हमको, 2.5 मिमी था, ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज किए तो ये आ गया हमारा। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे 2.5 गुड़े 10 के घाते माइनस 3, ये हो गया। चलिए अब इसको आगे हल करके देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, 500 एक कम 500, मतलब हमारा आएगा क्या, ध्यान से देखिए, 500 गुड़े 10 के घाते माइनस 9, ये मिलेगा, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इस 10 के घाते माइनस 3 जो है इसको ऊपर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुड़े 10 के घाते माइनस 3 था तो क्या हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2.5 बचेगा, ठीक है, कितना बचा, 2.5। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं, तो ये हो गया। अब हम इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि हमको दशमलव यहां से हटाना है तब तो हम हल कर पाएंगे। तो ऊपर मिलेगा क्या आपका, ऊपर मिल जाएगा 5, ठीक है, 1 2 0, एक को ये वाला जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 5000 गुड़े 10 के घाते माइनस 6, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, माइनस 6, अब बटे क्या आएगा 25, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम काट देते हैं, ध्यान से देखिए, इधर दिखाई नहीं दे रहा, देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 के 25, 25 दुना 50, ये खत्म हो गया, इतना बचा 2 0, तो ये होगा 200, ठीक है। अब ये 2 0 जो बचा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 0 इसमें ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका, 10 के 2 गुड़े 10 के घाते माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुड़े 10 के घाते, ये 6 था, 2 0 और आ गया, तो प्लस में जुड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 0 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 2 गुड़े 10 के घाते माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, चलिए तो इतना क्या आ गया आपका, ये मीटर में आ गया, ठीक है, तो ये फ्रिंज की ये इसकी चौड़ाई आ गई, ठीक है, झिर्री की चौड़ाई। अब देखिए बात करते थोड़ा सा, इसको और हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर जगह नहीं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इधर का इतना तो हो गया, अगर इसको इतना आंसर आपका सही है, ठीक है, अगर इसको और भी चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा ये समझिएगा, ठीक है। चलिए ये मीटर है तो मीटर को हम क्या करेंगे, मिमी में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा क्या आपका, जब मिमी में चेंज करेंगे तो आपका आएगा ई इज इक्वल टू, आ जाएगा क्या आएगा, 0.2 मिमी, ठीक है, मतलब मिलीमीटर आएगा इतना, जब हम इस मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तब। आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान देखिए क्वेश्चन दूसरा वाला, इसमें बोला क्या जा रहा है, 5900, ठीक है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 11.8 गुड़े 10 के घाते माइनस 5 सेमी चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है, ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट
की केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। चलिए तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझिएगा। तो पहला काम क्या करते हैं, इसमें जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है 5900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को हम दिखाते हैं लेमडा से, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू यहां से हमारा क्लियर हो गया, क्या दिया है 5900 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इतना क्लियर। चलिए अब देखिए, अब इस एंगस्ट्रॉम को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम को हम 10 के क्या होता है 10 के घाते माइनस 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो क्या जाएगा 5900 गुणे 10 के घाते माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। ये आ गया आपका मीटर में। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें बोला जा रहा है क्या कि प्रकाश 11.8 गुणे 10 के घाते -5 सेमी चौड़ी, तो चौड़ाई आपको दिया गया है, ठीक है, स्लिट की चौड़ाई, ठीक है। स्लिट की चौड़ाई को हम दिखाते हैं किससे, ई से दिखाते हैं, ठीक है, स्लिट की चौड़ाई को हम ई से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू दिया है आपका क्वेश्चन में 11.8 गुणे 10 के घाते 5 सेमी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सेमी में दिया है तो इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, ठीक है। चलिए मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, इसमें हम क्या करेंगे 10 के घाते माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11.8 गुणे 10 के घाते माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन में भी दिया था, यहाँ पे हम भूल गए हैं, तो ये हो जाएगा -5। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 10 के घाते -2 से मीटर में बनाने के लिए, तो हमको मिलेगा क्या 11.8 गुणे 10 के घाते -+ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ा 5 है उसके सामने माइनस है तो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, ये आ गया आपका ये। अब हमको थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ध्यान समझिएगा, तो समझिए ध्यान से, आगे बोला जा रहा है, यदि प्रथम निम्निष्ट विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र थीटा कोण पर प्राप्त होता है, कहां प्राप्त होता है, केंद्र के थीटा कोण पर, तब हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या एन लैम्डा, ठीक, ये हो जाएगा यन लेमडा। यदि हम यन बराबर 1 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम एन बराबर 1 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि यन का मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा, ठीक है। चलिए तो समझिए जरा ध्यान से, तो यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा बाई ई, यहाँ ई पे ई का क्या है गुणा है, यहां जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा बट्टा ई। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम हल करेंगे, यहां से हमारा लेमडा का भी वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में और ई का भी दिया गया है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमने अभी निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए तो लेमडा का मान हम रख लेते हैं, कितना दिया है 5900, ठीक है, गुणे 10 के घाते -10 मीटर है, ये हो गया। और बट्टे के क्या दिया है, बट्टे दिया है 11.8 गुणे 10 के घाते -7 दिया है ई का वैल्यू, ठीक। अब चलिए अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा। चलिए तो इसको हल करिए, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये 10 के घाते -10 है, ये 10 के घाते -7 है, ठीक है। तो ये 10 के घाते -7 कट जाएगा पूरा पूरा, इसका कितना कटेगा 10 के घाते -7 ही कटेगा, तो 10 के घाते -3 अभी बचा ही रहेगा, मतलब -3 ऊपर बचा रहेगा घात में, ध्यान दीजिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो हमको मिलेगा क्या, टोटल हमको मिलेगा 5900 गुणे 10 के घाते -3 बटे 11.8, ये मिलेगा, ये तो कट गया पूरा पूरा और यहाँ पे बस 10 के घाते -3 बचा है, 7 तो इसके साथ खत्म हो गया। अब देखते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, दिमाग क्या लगाना है, बस आप काटते चलिए, आ जाएगा आंसर। तो हो जाएगा ये 5900
समझिए ध्यान से, 5900 ऊपर लिख दिए ठीक है, बट्टे समझिएगा ध्यान से 11.8 इसको लिख लेते हैं 11.8 ठीक है। अब ये जो 10^-3 ऊपर था इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, 10^3 हो जाएगा। अब ऊपर था तो माइनस में था, नीचे आ गया तो प्लस में हो गया ठीक है। अब समझिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से आ जाना चाहिए। तो समझिए ये हो जाएगा 5900 ठीक, अब बट्टे क्या हो जाएगा 11.8 है। अब इसको हम थोड़ा फैला देते हैं, कितना 3^3 तो कितना हो जाएगा 1000 इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 5900 ध्यान समझिएगा 5900 हो जाएगा बट्टे। अब इसमें हम क्या करेंगे समझिए ध्यान से, इसमें से आपका 10 से ये खत्म हो जाएगा, कैसे, जो 10 है इससे 1 हट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, टोटल मिलेगा 11.8 हो गया, दशमलव हट गया आपका और ये 2 जीरो जो बचा हुआ है ये इसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये जो 2 जीरो चिपके हुए हैं इनको हम इनके साथ उड़ा देंगे। अब उड़ाने के बाद मिलेगा क्या 59/118, तो 59 * 1 = 59 और 59 * 2 = 118 ये होता है आपका पहाड़ा। आप नहीं जानते हैं लेकिन काटेंगे तो कट जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो समझिए इधर आइए ध्यान से, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है तो इधर समझते हैं। तो हमारा क्या मिल गया, हमारा मिल गया sin θ = क्या मिला 1/2। क्लियर है, समझ में आया ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ठीक है। चलिए तो ये आ गया sin θ = 1/2। तो sin θ के कितने मान का कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान होता है क्या 1/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं sin θ = sin 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का ही मान तो होता है 1/2 होता है ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आएगा θ = क्या आ जाएगा 30 अंश आपका। तो थीटा का मान हमारा आ गया 30 अंश, समझ में आया। चलिए तो इसमें पूछा जा रहा था कोणीय स्थिति की गणना कीजिए, तो कोणीय स्थिति ये आ गया आपका। और क्या पूछ रहा था, जरा क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये तो पूछा गया तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, क्या केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं कि इसमें क्या कैसे लगेगा, ध्यान देखिएगा बस। तो हमारा हो क्या जाएगा, अतः प्रथम निम्निष्ठ θ = 30 अंश की दिशा में प्राप्त होगा। तो ये तो हमारा निकल गया थीटा का मान। अब देखिए हमको निकालना है अतः केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा कोणीय चौड़ाई हम दिखाते किससे, ध्यान देखिए ई, तो ई बराबर हो जाएगा 2θ, थीटा का मान हमारा निकला हुआ है 30 अंश है ठीक है। तो यहाँ पे हम करा देंगे मल्टीप्लाई 2 × θ का मान 30 अंश, तो 30 हो जाएगा, तो 30 × 60 आ जाएगा ठीक है। तो हमारा कोणीय चौड़ाई कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का दो सवाल आपके लिए जबरदस्त तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।